हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आशिम टेक्नोलॉजी रिसर्च। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ईबे से ख़रीदा गया कुछ चीज़ें जो मैंने परचेस किया था। तो दोस्तों आज मैं इस चीज़ को खोल के आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि टोटल जो मैंने ख़रीदा था उसका व्यू। और दोस्तों ये रहा Arduino नैनो, एक ही लिया था और तीन लिया था Arduino मिनी प्रो, और एक लिया था 5 वोल्ट सोलर चार्जर जो सोलर सिस्टम में बनाने के लिए मैंने लाया था, और दो पेयरिंग वाईफाई, एक मैंने वाईफाई मॉड्यूल लिया था। और दोस्तों इस मॉड्यूल का जो है कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ये नॉब का होता है, नॉब MCU का जो साइड में दिखा था आपको, और एक है GSM मॉड्यूल 800L का। दोस्तों मैं अभी खोल कर दिखाने वाला हूँ Arduino नैनो को, तो जल्दी से हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको जो मिला था मुझे इसके अंदर, तो वही चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जिसको मालूम नहीं है तो उन्हीं दोस्तों के लिए मैं यह बार जो है ना बताने की कोशिश कर रहा था, और जिस दोस्तों को मालूम है तो उनको तो पता ही है ये जो Arduino नैनो और मिनी प्रो है वो क्या है। और जिस दोस्तों को मालूम नहीं है उन्हीं के लिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ इसको। और ये रहा दोस्तों मिनी प्रो, मैं एक ही खोल के दिखाने वाला हूँ इसमें, तो खोल लेते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ हेडर पिन मिलते हैं और जो है Arduino मिनी प्रो मिलते हैं। तो इसमें जो है प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोग्रामर चाहिए होता है, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए स्पेशल जो प्रोग्रामर मार्केट में मिलते हैं उसको आपको लेना है। और दोस्तों ये रहा वाईफाई मॉड्यूल जो दोनों पेयरिंग में आता है, मतलब के ये जो मॉड्यूल है आप तो देखे होंगे कि जो है 8266 वाला, पर ये वो नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ये दोनों अपने खुद का ही एक पेयरिंग सिस्टम है जिसको आप इस दोनों को काम में ला सकते हैं कि लाइट ऑफ ऑन करने के लिए या कुछ और बनाने के लिए। दोस्तों ये रहा जो है वाईफाई मॉड्यूल, इसको आप कई ब्लैंक PCB में आपको नई तरह की मॉड्यूल बनाने के लिए आपको यूज़ करना होगा। ये तो बनाया हुआ नहीं है, ये सिर्फ मॉड्यूल है जिसको आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं। और दोस्तों ये मॉड्यूल जो है आपको छोटा टाइप का जो कंट्रोलर है आप वो बना सकते हैं इसमें से, ये प्रोग्राम कर सकते हैं Arduino IDE से। तो दोस्तों ये रहा MCU नॉब जो आपको वाईफाई मॉड्यूल, इसको आप Arduino से जो प्रोग्राम आता है उसमें आपको प्रोग्राम करके भी चला सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करना है कनेक्ट, तो इस वीडियो में अगर आपको चाहिए जो है कैसे कनेक्ट करना है Arduino से, कैसे प्रोग्राम करना है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो बना के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आप जब हम बनाएंगे तो तब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का वीडियो जो है उसको आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊँ, तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो इससे मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ बना पाऊँ। वीडियो इस तरह से देता रहूँ और मुझे आपके साथ जुड़ने में बहुत आसानी होता है कि जो है आपको मैं दिखा सकूँ, मैं आपके लिए जो बनाना चाहता हूँ तो उस टाइप का। दोस्तों ये रहा GSM मॉड्यूल जो 800L है, इसमें GPRS सपोर्ट है, तो ये फ़ोन जो है बनाने के लिए भी बना सकते हो आप, और कुछ चीज़ें भी बना सकते हो कि जैसे कि ऑनलाइन आप कनेक्ट करके कहीं पर बैठ के कुछ बना सकते हो कि घर का लाइट ऑफ ऑन करे, या तो कुछ और जो आप बनाना चाहो कि ऑनलाइन से या तो फ़ोन करके या SMS को द्वारा जो है आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो।
तो इसी टाइप का जो है इस मॉड्यूल में आप बना सकते हो। तो आपको व्यू दिखा देता हूँ कि जो है किस टाइप का मिलता है। दोस्तों इसके साथ मिला मुझे ये एंटेना, जो इसके साथ लगाने से उसका सिग्नल जो है थोड़ा बेहतर हो जाता है। और दोस्तों कुछ पिन हेडर मिला मुझे, इस मतलब के आपको इस भी जो चीज़ मैंने ख़रीदा है इसके पूरा डिटेल्स में अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं दूसरे वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि मतलब के कैसे बनाना है। दोस्तों आपको ऐसा चाहिए कि जो है वीडियो में ही, एक वीडियो में मैं आपको दिखाता रहूं कि मैंने क्या ख़रीदा है और उसके जो है कैसे बनाना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पसंद आता है तो आपको मैं उसी टाइप का वीडियो देता रहूँगा। तो दोस्तों अभी जो है मैं खोल लेता हूँ 5 वोल्ट सोलर चार्जर जो आपका जो है प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदा गया या तो मार्केट में मिलता होगा कोई छोटा मोटा जो अब सोलर सिस्टम है, तो उसको आप बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो और उसके साथ आप सोलर को लगा के कोई सर्किट बनाने की ज़रूरत भी नहीं होता है, आप इसमें डायरेक्ट लगा के भी आपका काम जो है कर सकते हो। तो इसका जो कनेक्शन डायग्राम है वो मुझे मिल गया था। तो दोस्तों कैसे बनाना है, कैसे कनेक्ट करना है, तो इस डायग्राम में तो मुझे दिख जाएगा। दोस्तों अगर चाहिए होगा कि आपको भी कैसे बनाना है, इस मॉड्यूल को कैसे आप हासिल करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए या तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए कि जो है आपको मैं डिटेल्स में दे सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे जो है सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्पायर कीजिए कि मैं आपको इसी टाइप का या इससे बेहतर जो है मैं वीडियो आपको दे सकूं। ये जो रहा पूरा टोटल जो मैंने ख़रीदा था इस टाइम के लिए, तो इस टाइप का जो पूरा था मैंने आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज तो इतना ही, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।